हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज देखते हैं न्यूज़पेपर में ऐसी क्या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो आपको हेल्प करेगी आपके प्रीलिम्स 2020 में। तो सेबी ने फाइन इम्पोज किया है आईसीआरए और केयर इंडिया के ऊपर। ये बेसिकली जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इनके ऊपर कुछ एक फाइन सेबी ने डाला है। अब देखते हैं सेबी जो है वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2015 प्रीलिम्स के अंदर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उस पर क्वेश्चन कुछ फ्रेम किया गया था। इस तरीके का क्वेश्चन था, उसके फंक्शंस के ऊपर था और वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अब सेबी के ऊपर अगर क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो कुछ इस टाइप से बनेंगे कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि इट इज अ क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी एग्जीक्यूटिव, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। और थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो अगर हम इसे देखते हैं तो ये एक कानून के अंदर इसको लिस्ट किया गया, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरी, ये क्वाजी लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करती है, क्वाजी एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करती है, क्वाजी जुडिशियल फंक्शन भी करती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को एनफोर्स करने के लिए हमारे पास कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो सेबी का ये फंक्शन नहीं होता, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है और वन एंड टू जो है इसका ये आंसर बी ठीक हो जाता है। अब ये इसकी डिटेलिंग है कि सेबी जो है ये 1992 के अंदर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड एक्ट ऑफ इंडिया इसके अंडर बनाई थी, इसलिए ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। और सेबी जो है क्वाजी लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करती है, क्वाजी जुडिशियल फंक्शन भी करती है, क्वाजी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है ये, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंक्वायरी कंडक्ट करती है, रूलिंग पास करती है और पेनल्टीज भी इंपोज करती है, तो पेनल्टी इंपोज करना ये एक जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल फंक्शन हो जाता है इसका। इंक्वायरीज कंडक्ट करना ये इसका एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो जाता है, और रूल्स बनाना ये इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन हो जाता है, क्वाजी लेजिस्लेटिव। अच्छा, अब इसके जो प्रियम्बल है वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट जो है इंडिया की, उसको ये रेगुलेट करती है, और उसके साथ साथ जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर फेयर प्ले को प्रमोट करती है। तो ये हमें पता होना चाहिए, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बाकी स्टॉक एक्सचेंज है उनको फेयर प्ले वहां पे होना चाहिए। अब फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो था वो कॉमोडिटीज में पहले डील करता था, तो उसको जो है मर्ज कर दिया था सेबी के साथ, ये भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा जो है 2015 में किया गया था। और ये लास्ट स्टेटमेंट कह रही है कॉम्पिटिशन एक्ट जो है इंप्लीमेंटेड बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये देखते हैं अब WTO इन द ग्रिप ऑफ प्लुरिलेटरलिज्म, ये जो है इस टाइप की टर्म थी और ये आर्टिकल आया था। तो WTO पे रिलेटेड ऑलरेडी UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, द टर्म एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका WTO ही था कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर उस टाइम काफी न्यूज में चल रहा था, पीस क्लोज जो है वो भी न्यूज में चल रहा था, तो ये सारे के सारे इसलिए WTO से रिलेटेड था। अब प्रीलिम्स 2016 के अंदर जो WTO के अंदर डिफरेंट बॉक्सेस थे, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये भी पूछा गया था। अब अगर हमें क्वेश्चन फ्रेम करना हो 2020 के हिसाब से, तो एक काफी ये टर्म है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म को लेके काफी बहस चल रही है डिफरेंट, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, और ये भी आपका WTO से ही रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म होता क्या है। बेसिकली जब इंपोर्ट का इन्फ्लक्स हो जाता है मार्केट से, तो आपको डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीज, इंडिया जैसे कंट्रीज डिमांड कर रही है उनको स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म दिया जाए ताकि वो ड्यूटीज बढ़ा सके इंपोर्ट के ऊपर, ताकि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है वो उसको नुकसान ना हो। तो WTO का जो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है ये इसलिए कि प्रोटेक्शन मेजर्स अलाउड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू टेक कंटिंजेंसी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये नॉर्मल सिचुएशन में काम नहीं करेगा, लेकिन कंटिंजेंसी रिस्ट्रिक्शन होगी, इमीडिएटली जरूरत पड़ गई, अगेंस्ट द एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स दैट आर कॉजिंग इंजरीज टू द डोमेस्टिक फार्मर्स। तो डोमेस्टिक फार्मर्स को बचाने के लिए अगर एग्रीकल्चर इंपोर्ट एकदम बढ़ जाते हैं तो कंटिंजेंसी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो गवर्नमेंट ले सकती है, ऐसी ये डिमांड चल रही है इसके ऊपर। तो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म भी आपका WTO से रिलेटेड है, तो ये हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। अब सऊदी अरेबिया भी न्यूज में था, ठीक है। सऊदी अरेबिया और यमन के अंदर काफी अभी जो है इंस्टेबिलिटी यमन में चल रही है, और सऊदी अरेबिया वहां पे काफी न्यूज में चल रहा है।
तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन सकता है कि कंट्री न्यूज के ऊपर अगर हमें क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो कुछ ऐसे बनाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद पर्शियन गल्फ एंड रेड सी। तो ये तीन कंट्रीज यमन, सऊदी अरेबिया और यूएई, कि जो पर्शियन गल्फ और रेड सी दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करते हो। तो इसके अंदर सिर्फ सऊदी अरेबिया ही एक ऐसा कंट्री है जो दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया पर्शियन गल्फ के साथ भी करता है और रेड सी के साथ भी शेयर करता है। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी आपके प्रीलिम्स 2020 में। थैंक यू।